हवाई जहाज में किस तरह से रोने लगे यात्री, जानने के लिए अंत तक बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आपको राजधानी और हवाई जहाज की यात्रा को दिखाते हैं। हाँ, ये ईशांत बाबू किसी भी अर्धसैनिक बल, सैनिक या पुलिस को देखते ही सैल्यूट करने लगते हैं। ऐसे बच्चे को मेरा सलाम। तो चलते हैं, पहले राजधानी ट्रेन में सफर करते हैं और ये यात्रा हमारी जसीडी जंक्शन से प्रारंभ होती है। उसके बाद ट्रेन का सफर पूरा होने के बाद फिर हम लोग कलकत्ता पहुंचते हैं, जहां से फ्लाइट से हम लोग बेंगलुरु जाते हैं और फिर बेंगलुरु से हम लोग नींद आ रहा है इसको सुलाई तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं। बेंगलुरु तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन बेंगलुरु से जब छोटी वाली फ्लाइट में हम लोग बैठे तो मौसम खराब होने के कारण एक घंटे की यात्रा करीब दो घंटे में पूरी हुई और इस दौरान काफी परेशानी हुई। हमारे पीछे के जो भी यात्री थे साउथ इंडियन, वो फूट फूट करके रोने लगे, इतना चिल्लाने लगे, क्योंकि काफी जो है झटका दे रहा था फ्लाइट। बोतल जो सीट के पीछे कवर होता है उससे बोतल वगैरह निकल करके जो है फेंकाने लगा। जैसे खंडहर रोड में खंडहर बस झटका देने लगता है, ठीक उसी प्रकार से झटका दे रहा था। हालांकि ईशांत बाबू तो सो रहे थे, इसलिए काफ़ी परेशानी नहीं हुई। चलिए, और आज ही के दिन 20 नवंबर को मेरा बर्थ, हम दोनों का सॉरी शादी का सालगिरह है। तो और इसी अवसर पर हम लोग, मेरा बच्चा भी और वाइफ भी पहली बार हवाई यात्रा करने जा रही है। तो चलिए बने रहिए अंत तक और आपको हर एक चीज में दिखाऊंगा किस तरह से झटका लगता है, रोने लगते हैं यात्री। तो बने रहिए अंत तक। और हमारे ईशांत बाबू तो काफी खुश थे, वाइफ भी बहुत खुश थी पहली बार यात्रा करके। काफी उत्सुकता होती है जब कोई पहली बार हवाई जहाज में यात्रा करे। बता दूं कि मौसम जब खराब था तो क्लाउड काफी तेज था, हालांकि कोलकाता से बेंगलुरु जाने के क्रम में नहीं। हाँ, और इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि 20 नवंबर को जो मैंने फ्लाइट बुक किया हुआ था कोलकाता से तिरुचिरापल्ली भाया चेन्नई, तो तीन फ्लाइट तीन बार टिकट कैंसिल हुआ और चौथी बार मुझे भाया बेंगलुरु भेजा। हालांकि इस समय में खास अंतर नहीं था, करीब करीब वही समय था। और अंत तक हम लोग पहुँचे, चूँकि साइक्लोन, मूसलाधार वर्षा, इन सबों के कारण जो है चेन्नई की फ्लाइट रद्द कर दी गई थी, जिस वजह से हम लोग को भाया बेंगलुरु भेजा गया। हाँ, इसमें खाना जो दिया गया था हम लोगों को प्रोवाइड किए थे, क्योंकि कॉरपोरेट बुकिंग था। और इसमें मुझे भी पता नहीं चला कि आखिर ये कॉरपोरेट बुकिंग वो कैसे किया। हाँ, एक्चुअली फेयर में थोड़ा सा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया था और मैंने पे कर दिया था बुकिंग का टाइम, और मैंने फ्लिपकार्ट से बुक किया हुआ। तो ये सब मुझे प्रोवाइड की गई थी। 150 रुपये का ये जूस जो काफ़ी लाजवाब था और नेचुरल जूस की एक तरह था, और ये मल्टीग्रेन ब्रेड था और पनीर टिक्का था, ये सारा था। उन्होंने ऑप्शन भी दिया था, कॉफ़ी लेना चाहते हैं, कोल्ड कॉफ़ी लेना चाहते हैं या जूस लेना चाहते हैं, मैंने जूस को प्रेफर किया। और वाकई लाजवाब था, मज़ा आ गया खा करके। देख सकते हैं आप लोग,
और मैं तो वेजिटेरियन हूँ, इस वजह से मैंने वेज को प्रेफर किया था। इसमें पनीर मुझे दिया गया था, हाँ इसके साथ में हरी चटनी भी थी, ये देख सकते हैं आप, सलाद भी था। इसके साथ में काटने के लिए, पनीर को काटने के लिए वो लकड़ी का चाकू भी था, प्लस फॉर्क था, स्पून था, हाँ इसमें ब्लैक सॉल्ट भी दिया जाता था और भी कुछ बहुत कुछ था, छोटी छोटी चीज़ें। गजब का टेस्ट, बहुत अच्छा, मजा आ गया यार। ये रहा मल्टीग्रेन ब्रेड, देखने में भी जो है बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जूस वाकई नेचुरल जूस की भांति काफी टेस्टी। हम लोग एनर्जी ड्रिंक्स भी कर सकते हैं। ये भाटी पनीर सलाद एंड ब्रेड रोल, हाँ बताना चाहूंगा कि ये हवाई जहाज में जो पानी प्रोवाइड की गई थी, वाटर बॉटल, ये बिस्लेरी का था और बिल्कुल मुफ्त। आप जितना भी बोतल ले सकते हैं, जरूरत पड़ने पर गर्म पानी भी आप उनसे मांग सकते हैं, आपको गर्म पानी भी निःशुल्क प्रोवाइड की जाती है। किसी भी यात्री को पानी ठंडा हो या गर्म वो निःशुल्क प्रोवाइड की जाती है। ये मैंने इंडिगो में देखा, ईशान तो बहुत खुश थे, साथ साथ प्रिया भी बहुत खुश थी। पहले का दृश्य, मौसम बहुत ही साफ था। और ये रहा बेंगलुरु एयरपोर्ट, फिर कुछ ही देर में हम लोग बेंगलुरु से तिरुचिरापल्ली का यात्रा प्रारंभ करेंगे। और इसी छोटी वाली फ्लाइट में, ये जो दिख रहा है इसी छोटी वाली फ्लाइट में, क्योंकि इसका वो जो फैन क्या बोलते हैं उसको, पत्ती ब्लेड, ब्लेड हो सकता है कि क्लाउड उसमें टकराने की वजह से झटका दे रहा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जोर का झटका दे रहा था, बहुत तेज झटका, जिससे कि हम कभी सोचे नहीं थे हम लोग कि इतना जोर का झटका एरोप्लेन में मिलेगा। वाइफ तो काफ़ी डर गई थी, प्रिया काफ़ी डर गई थी। इसो ये छोटी वाली फ्लाइट, क्योंकि डरना भी लाजमी था। चलिए, एक घंटा का जर्नी, एक घंटा अतिरिक्त आसमान में चक्कर लगाते रहे बेंगलुरु टू तिरुचिरापल्ली, हाँ चलो स्वाभाविक बात है। और उसमें जोर का झटका दे रहा है, बस इतना ही, कितने ही खिड़कियां हैं। हाँ इस जमाने में काफी मजबूत थे, काफी खुश थे। हाँ हाँ, बड़ी वाली फ्लाइट में खड़े रहिए, और अब छोटी वाली फ्लाइट में यात्रा करने को काफी उत्सुक थे। रुको इसु, उधर नहीं जाते बिट्टू। देख सकते हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट, कैंपेगोंडा
एयरपोर्ट। सच में यार बहुत ज्यादा रुला देने वाला ये जो है जो मौसम था, और जो मेरे हमारे पीछे पैसेंजर्स बैठे थे वो रोने लगे थे, फूट फूट करके रोने लगे थे। सभी एयर होस्टेस वगैरह सब जाकर के अपना सीट बेल्ट लगा करके बैठ गई थी, दौड़ करके जा करके बैठ गई अनाउंसमेंट होते ही, और रुला देने वाला। अब लैंड हो चुका है, त्रिची एयरपोर्ट पर चेन्नई से आ रही है, और हम लोग एरोप्लेन फाइनली देखते ही देखते इसो है। देखो मौसम का जो है घुटन बर्दाश्त करते करते लैंड कर गए, माया गया था, और हम लोग त्रिची एयरपोर्ट, त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए। तो कैसी रही मेरी यात्रा, हमारी यात्रा, आप लोगों को आप अपना कमेंट्स जरूर कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। धन्यवाद।